ये ड्रामा मेहरबान कैसे कैसे, ये तो कंटिन्यूस इसकी मेरे ख्याल 3-4 हज़ार शो हो चुके हैं और अचानक नहीं है, इन्होंने ग्रुप बनाया है। मेरा ग्रुप था ट्रिपल के, वो उनको उसने इन लोगों ने रिवाइव किया और ट्रिपल के इज़ कल के कलाकार, या कुछ लोगों ने कहा कादर के कलाकार। इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने उस ग्रुप को दोबारा शुरू किया और मेरे ड्रामों को करेंगे उसमें। कल हिम्मत हुई तो कुछ नए प्लेस भी लिखूँगा, मगर मैं हमेशा सोशल प्रॉब्लम पे लिखता हूँ। जैसे मैंने इससे पहले बड़ी देर की लिखा था, उससे पहले लोकल ट्रेन लिखा था, उससे पहले रफ्तार रही, अगर ये रफ्तार रही तो वो लिखा था, उससे पहले किसी का प्ले लिखा एडॉप्ट कर लेता था। तीन बंदर मेरा लिखा हुआ प्ले है। कंपटीशन तो बढ़ गया है, उसके अलावा जो कीमतें थी पहले, एक फिल्म पहले 40 लाख 50 लाख में बन जाती थी, अब वही जो को बाद करोड़ में चली गई है, 50 करोड़ में बनती है। तो कॉमन मैन तो बना ही नहीं सकता है, और आज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यानी पहले डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे, जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे आप फिल्म, और वो आपकी फिल्म को पूरे इंडिया में रिलीज़ करते थे। आज वो डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है फिल्म को रिलीज़ करने की। ये हुआ सिर्फ सब हमारे कंपनीज के थ्रू। उस जमाने में म्यूज़िक बहुत बिकता था, तो म्यूज़िक बहुत बिकता था और उससे वो फिल्मों के पैसे निकल आते थे। तो लोगों ने फिल्मों म्यूज़िक कंपनी ने सोचा कि हम खुद फिल्म क्यों ना बना लें, हम खुद फिल्म बना लेते हैं तो हमारी फिल्मों के चलने से हमारा फिल्म का जो पैसा है वो तो म्यूज़िक से निकल आएगा, और बाकी जो फिल्म का पैसा है वो उसकी प्रॉफिट हमारे वो एडिशनल प्रॉफिट होगी। जब ये प्ले कर रहे हैं गाइस, ये इसके प्रोड्यूसर्स जो है वो हम लोग नहीं हैं ये बार, ये मेरे दोस्तों की कंपनी है मेकिंग नॉइज़ करके। ये तन्मय रंजन जो राकेश रंजन जी का बेटा है, वो जो राम प्रसाद भैया बना है वो है, और लौरा मिश्रा, ये लोग मिलके ये कंपनी लॉन्च की है मेकिंग नॉइज़, जिससे हम लोग हमारे डैडी के काफ़ी प्लेस हम लोग उसमें इंशाल्लाह ये फरवरी के 22 को जो हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग मार्च में इसके काफ़ी फेस्टिवल करने वाले, काफ़ी शोज़ करने वाले। तो डैडी की और मेरी हम सबकी दरख्वास्त है कि आप सब लोग आइए वहाँ पे और देखिए हमारा शो प्लीज़। थैंक यू। एक प्ले जो मैं लिखने वाला हूँ, गुजराती में लिखा तो हमारे माफ़ कर जो आ नाटक नहीं था है। और इसको हिंदी में था यारों मुझको माफ़ करना, ये नाटक नहीं होगा, ये प्ले था कि अगर ड्रामा ना हो, ड्रामे में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, एक तो पैसा और एक लड़की। अगर लड़की ना हो तो कुछ लोग लड़की के लिए आते हैं वो चले जाते हैं, और कुछ लोग चाय के लिए नाश्ते के लिए आते हैं और वो चले जाते हैं। तो अगर ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना हो तो लोग प्ले छोड़ के चले जाते हैं। तो वो प्ले ज़रूर देखिएगा, माफ़ कर दो आ नाटक नहीं था यारों मुझे माफ़ करना, ये नाटक नहीं होगा। To know more about your favorite superstars, subscribe to Bollywood Wala now and hit like if you like this story.